अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड इन रिजॉइसिंग मूड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर 5 ऑफ आवर ईवीएस बुक, दैट इज आवर हेल्थ सर्विसेज। तो जो हम हेल्थ सर्विसेज पढ़ेंगे, ये जो 5th चैप्टर है, इसमें हम जानेंगे जो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है उसके बारे में, हमारी हेल्थ सर्विसेज, लोकल हेल्थ सर्विसेज, फर्स्ट एड, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें आज पढ़ना है। लेट्स बिगिन। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th अप्रैल एवरी ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। दिस ईयर वी आल्सो सेलिब्रेटेड दिस डे इन आवर स्कूल। प्रिपरेशन इज वायर गोइंग ऑन फॉर मैनी डेज। आवर टीचर हैड गिवन सम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरी चाइल्ड इन द क्लास। In the morning hours, a health mela was organized. Many stalls were put up. In one of the stalls, information was given about communicable diseases and how we can protect ourselves from them. Vaccination against some diseases? No. In other stall, information was displayed through posters about vaccination against some diseases. In another stall, posters on how to keep the environment clean were put up. Elsewhere, a first aid box was displayed and its uses were being demonstrated. पहले हम इसका पढ़ेंगे, इसका माने क्या है। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट होता है 7th अप्रैल, ये आप हमेशा याद रखना। जो 7th अप्रैल, जैसे होता है वुमेन्स डे, जैसे होता है फादर्स डे, जैसे होता है अर्थ डे, जैसे होते हैं बहुत सारे डेज, ऐसे ही जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, हमारी जो हेल्थ है, तो हेल्थ के मुतलिक एक दिन मनाया जाता है हर साल। बहुत सारे मतलब दिन मनाए जाते हैं, ऐसे ही हेल्थ के लिए भी एक दिन मखसूस रखा है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ये सारी दुनिया में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। दिस ईयर वी ऑल्सो सेलिब्रेट दिस डे, हमने इस साल भी सेलिब्रेट किया है स्कूल में। प्रेपरेशन इज वायर गोइंग ऑन फॉर मैनी, लेकिन इस साल स्कूल बंद था कोविड की वजह से, तो मतलब मे बी हम इस साल नहीं मना पा रहे होंगे, मना पाए, बट जो वर्ल्ड हेल्थ डे है ये हर साल मनाया जाता है, और उसको स्कूल में मनाते हैं, हॉस्पिटल वाले मनाते हैं, कम्युनिटी वाले मनाते हैं, लोकल पीपल मनाते हैं। तो प्रिपरेशन आर गोइंग ऑन फॉर मैनी डेज। आवर टीचर हैड गिवन सम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरी ईयर। ये एक मतलब जो जिसने मतलब इस बुक में जो स्पीकर है, जो एक स्टूडेंट है, वो बोलता है कि उन्होंने मनाया है। In the morning hours, health mela was organized. Many stalls were put up. In one of the stall, information में बहुत सारे मतलब जो उन्होंने preparation की school में, इनका बड़ा सा school होगा जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल टाइप होता है, तो आप देख सकते हो इस पिक्चर में health mela लिखा है यहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे stalls लगाए और मतलब बहुत दिन तक preparation भी की इसके लिए। एक stall में एक information communicable disease के मतलब दी गई थी, एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्राम देम। कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक से दूसरी जगह मतलब जो वो डिजीज़ जो ट्रांसफरेबल होती है, कम्युनिटी जैसे होती है, कम्युनिटी में ट्रांसफ़र होती है, तो पानी की वजह से भी हो जाती है या एयर की वजह, किसी चीज़ के कम्युनिकेट करती है, तो उन डिजीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक से दूसरे को लग जाती है। इन अदर, या हम ये भी बोल सकते हैं जैसे पानी गंदा हुआ तो उसमें भी कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ लग जाते हैं, अगर उसमें मतलब कोई ख़राब चीज़ होगी, वैसी कोई बैक्टीरिया होगी। इन अदर स्टॉल, इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड थ्रू पोस्टर्स अबाउट वैक्सीनेशन अगेंस्ट, दूसरे स्टॉलों पे किसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, वैक्सीनेशन, जो हम मतलब वैक्सीनेशन करते हैं, जैसे वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस, वैक्सीन अगेंस्ट बहुत सारी डिजीज़ जो होते हैं उनके अगेंस्ट वैक्सीन किया जाता है ऑलरेडी उसमें। फिर जब अगर वो मतलब गॉड फॉरबिड अगर कभी ऐसा फिर हो तो इंसान बच जाता है, तो वैक्सीन किया जाता है इम्यूनिटी बनाने के लिए। इन अदर स्टॉल, पोस्टर्स ऑन हाउ टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन वेयर पुट अप। और एक स्टॉल था वहाँ पे, मतलब एक जो स्टॉल बना था वहाँ पे भी पोस्टर्स थे, लेकिन किसके बारे में, कि हाउ टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन, जो हमारा एनवायरमेंट है, माहौल है, आसपास है हमारा, तो वो कैसे हम क्लीन रखें, उसको हम आलूदा होने से कैसे बचाएँ। तो इसके बाद है, Elsewhere, a first aid box was displayed and its use were being demonstrated. दूसरी जगह एक first aid box रखा था, आप ये picture में देख सकते हो, और वहाँ था कि मतलब इसको कैसे use करेंगे। First aid box में जैसे होते हैं ज़रूरी ज़रूरी first aid चीज़ें, कुछ medicines होते हैं, और उनको हम emergency के वक्त कैसे use कर सकते
हैं। और फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं कि स्कूल में होता ही है, घर हर घर में होना चाहिए, गाड़ी में होना चाहिए, हर किसी के पास फर्स्ट एड बॉक्स, क्योंकि कभी लग जाती है, कट माइनर कट्स हो जाए या कुछ भी ऐसा कुछ हो जाए तो फर्स्ट एड बहुत हेल्प करता है। तो आज हम इतना पढ़ेंगे, थैंक्स।